अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब, कैसे हैं जनाब। मैं हूं आपका होस्ट, आपके दोस्त बिलाल कुरैशी। वंस अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम इन सितारों के सितारे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि शहर लाहौर के वो तमाम सितारे जो आपके दिल के आसमानों में चमकते हैं, जगमगाते हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं। यू विल गेट टू नो इन दिस शो। और ये मैं नहीं बताऊंगा बल्कि हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे जो अपने अपने प्रोफेशन में बहुत ही नाम रखते हैं, बहुत आला मुकाम रखते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर ग्रेट टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। फर्स्ट वी हैव विद अस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे और आपके हरदिल अजीज मामू। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह करम। कुर्ता बड़ा जबरदस्त पहना हुआ है आपने, ये मुकाबला देख रहे हैं, क्या बात है। वेल, नेक्स्ट वी हैव विद अस अ फेस ऑफ सिटी 42, शी इज वेरी वेल नोन एंकर पर्सन ऑफ मसला लाहौर का। उसके साथ साथ टैरो कार्ड रीडर है, हमारे साथ है वेरी चार्मिंग आलिया नजीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड फाइनली वी हैव विद अस हाथ की लकीरों के बारे में आपको बिल्कुल ठीक तरीके से बताते हैं, बहुत माहिर हैं, बहुत बाकमाल इंसान हैं, मतीउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तो कैसे हैं आप? बस ठीक। आपकी तबीयत मुझे थोड़ी सी आज गड़बड़ लग रही है। ओके, कोई बात नहीं, मेरी भी है। तो चाहे वो कहते हैं ना माइनस माइनस, अगर जब प्लस हो जाते हैं तो रिजल्ट अच्छा आ जाता है, तो शायद कुछ ऐसा हो जाए। वेल, नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस आवर स्टार ऑफ द डे। ये सितारा हकीकत में इस मुल्क का एक रोशन सितारा है, बहुत से बेसहारों का सहारा है और हम सबको बहुत ही प्यारा है। ही इज एन आइकॉन ऑफ आवर कंट्री, अ ग्रेट मैन विद अ ग्रेट हार्ट। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। लेडीज एंड जेंटलमैन, he is the king of bhangra, the one and only one, a brutal hug. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam and jazakallah for all the bahut bade bade lafz aapne bol diye, bahut shukriya. You deserve more than that, brother. Aur abrar bhai ke sath unke bade bhai, he is also our big bro, very sweet and kind gentleman, israrul haq sahab. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, kaise hai israr bhai? Alhamdulillah, aap sunaye kaise? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब, तारुफ हो गया सबका, हमारी टीम का और हमारे मेहमानों का, हमारे सितारे का। और सबसे पहले ब्रार भाई, हम आपको बताते चलें कि इसमें मामू जो हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड एक जायचा बनाएंगे और जायचा उन्होंने बना लिया है और फिर वो बताएंगे कि आपके सितारे क्या कहते हैं। जी मामू जी, जहाँ इब्रार का जायचा एक अजीब गरीब मिक्सचर है। सही बात है कि इसमें आमिजिश जो है ऐसी कस्म की है कि जो एक दूसरे से तजाद भी करते हैं, एक दूसरे को भी करते हैं, लेकिन टोटल जायचा को मैं बता, पहले आप इनके सितारों की पोजीशन बता रहा हूँ जो लेके पैदा हुए हैं। 21st of July, हाँ, को जो हाँ वही उस वक्त जो कंडीशन लेके पैदा हुआ वो बताता हूँ आपको। मरकरी और सन कैंसर में, सन और मरकरी जब इकट्ठे हों तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, क्योंकि मरकरी ब्रेन का सही आ रहा है और सन पावर का सही आ रहा है। जब दोनों मिल जाएं तो क्या इंटेलिजेंट लोग, ऑब्जर्वेशन इनकी बहुत अच्छी, इंटेलिजेंट, गिर बड़ी जल्दी करते हैं किसी चीज़ को, तो ये इस बड़े अच्छे ऑब्जर्वर भी बहुत अच्छे हैं और वो सारी चीज़ें। योनस और मुश्तरी लक का सही आ रहा है, योनस और मुश्तरी दोनों इकट्ठे पड़े हैं चौथे घर में और कंजेक्ट कर रहे हैं, ये इस कंजेक्शन को भी बड़ा अच्छा है। ये प्रैक्टिकल और फॉरवर्ड लुकिंग लोग होते हैं, प्रैक्टिकल फॉरवर्ड लुकिंग लोग अच्छे ऑर्गेनाइजर और नए नए तजर्बात करते रहते हैं ज़िंदगी में। ये इसरार भाई, आप सारी बातें नोट करते रहें क्योंकि आपने हमें बताना है कि कितना सही और कितना नए नए तजर्बात करते रहते हैं। सच 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 सच, और ये इजी गोइंग, फ्रैंक और बाज़ औक़ात लेजी हो जाते हैं। अच्छा, और लेजी हो जाते हैं तो फिर लेजी हो जाते हैं तो अच्छा है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी होते हैं बाज़ औक़ात, कैश डीलिंग में ये गफलत कर लेते हैं, लेन देन उसे कर लेते हैं, अपने काम में मेहनती होते हैं, सुपरफिशियल एटीट्यूड होता है इनके रोमांस की तरफ। अच्छा, सबसे बड़ी जो अहम बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मरकरी बोलने का, ब्रेन का सही आ रहा है, सन के साथ पड़ा, दैट सन इज अ साइन ऑफ पावर, पावर पावर के साथ पड़ा। वीनस इनका टॉप क्लास पड़ा है, वीनस जेमिनी में पड़ा है, ये वीनस जो है तमाम दुनिया के आर्ट्स जो हैं उनका मालिक है, रूल करता है उनका, पड़ा जेमिनी में, पाइसिस में, जेमिनी में बड़ा खेलता है, जेमिनी में खेलता है ये, कोई ना कोई आर्ट्स की ऐसी किस्म जिसे शोहरत पाता है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा, ये तो प्रूफ हो गया मेरे ख्याल से आर्ट की फॉर्म, और फिर क्योंकि एक प्रोफेसर जब किंग ऑफ भंगड़ा बन गए तो उन्होंने जिस तरह से कहा है और शोहरत, तो कमाल हो गया। अच्छा, वो मिक्सिंग की मैं बात कर रहा था, एक और चीज़ है इनमें कि मार्स इन सेजिटेरियस जो गाना गा रहे हैं, जो कुछ है वो तो आर्ट्स तो है, लेकिन मार्स इन्हें स्पोर्ट्स, ट्रैवल और एडवेंचर की तरफ भी माइल होते हैं, स्पोर्ट्स, ट्रैवल और एडवेंचर की तरफ भी माइल करते हैं, फिर तो बड़ा कुछ देखते हैं दुनिया में। और सबसे बड़ी बात जो है, इनके बहुत अच्छे होस्ट मून इन लिब्रा,
मामू ये ना कहे मुझे निकाल देंगे शो से, इनको यहाँ बिठा देंगे अगर होस्ट अच्छे हैं। मॉर्निंग लिब्रा विद जुपिटर ये बहुत अच्छा है, अच्छे होस्ट अच्छे दोस्त होते हैं और बहुत ज्यादा मेहमान नवाज लोग होते हैं। हाँ ये तो खैर हम लोग ईद पे भी गए थे अब्रार भाई के घर, तो ही वाज द बेस्ट होस्ट वी हैड सो फार। मंगल मरीख जिसे कहते हैं ये छठे घर में पड़ा हुआ है इनका, ये कुछ नहीं कहता है यहाँ पे, एक काम कहता है कि मैरिज में लेट लगा, ताखीर करता है मैरिज, मैरिज ताखीर से होती है। मामू जी अब तो पूछना ही पड़ेगा हमें जी, अब्रार हक आपने सुना कि मामू ने आपके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो जायचा जो कुछ जो आपके सितारे कह रहे हैं, किस हद तक इनकी बातें जो है वो दुरुस्त है? वे तो सारी सही लगी हैं और जी हाँ कभी कभार मुझे बिल्कुल ये लगता है कि दो मुख्तलिफ शख्सियात मेरे अंदर हैं। अच्छा, एक दूसरे पे हावी होती है लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि कोहिजन के साथ चला जाए। कभी मैं इंतहाई सेंसिटिव भी होता हूँ और कभी एक बड़ी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी अल्लाह ताला की तरफ से एक पावर जो है वो गाइड करती है और उस पर मैं वो उसको ओवरकम करता हूँ सेंसिटिविटी को, टू गिव इट अ सर्टन डायरेक्शन। ये बेशक इंसान के बस में कुछ नहीं होता, मैं एक स्पिरिचुअल आदमी हूँ इस हवाले से कि मैं फिर कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ ज़रा कंफ्यूज होने लगूँ, क्योंकि दो मुख्तलिफ चीज़ें अंदर प्रेशर डालती हैं, तो उस वक्त मैं गाइडेंस लेता हूँ फिर अल्लाह से, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि क्या होना चाहिए, कि मेरी जगह अगर ऐसा मामला हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होती तो यहाँ पे वो क्या करते, क्योंकि बेस्ट आइडियल दुनिया का वही है हमारी नज़र में। और कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि आज का दिन अच्छा कैसे गुजारा जाए। कभी कभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात लोगों को लगेगी कि मैं फील करता था यार एक दिन अच्छा गुजरता है दूसरा दिन बुरा गुजरता है फिर एक दिन अच्छा, तो जो बुरा दिन होता है मैं सोचता हूँ अच्छा आज कुछ वो वाले डिसीजंस नहीं लेने, फिर मैंने कहा मैं क्यों अपने आप को ताबे कर रहा हूँ अच्छे और बुरे दिन के, दिन सारे मेरे रब ने बनाए हैं, हम अच्छा दिन खुद क्यों नहीं बना सकते। अच्छा फिर मैंने सोचा अच्छा दिन कैसे बनाया जा सकता है, फिर एक अजीब बात आप कहेंगे बात को उसकी तरफ ले गया, लेकिन अच्छा दिन फिर मैंने ये फैसला किया कि जिस दिन आप सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ रिसाइट करते हैं वो बेस्ट दिन है आप, और फिर उससे यही हुआ कि जो आप जिसमें आपने सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा है उस दिन आपने जो किया कामयाब हुआ है। तो ये बात मैं अपनी खुदा न खास्ता बढ़ाई के लिए बिल्कुल बयान नहीं कर रहा, इसलिए कर रहा हूँ जो लोग सुनते हैं इंस्पायर होते हैं बिल्कुल होते तो हैं, उसकी रॉयल्टी भी मिलेगी इंशाल्लाह, उसका भी एक अजर शायद थोड़ा सा मुझे भी मिले कि मेरे से सुनी हो बात उन्होंने अच्छी तो बात एक दिन अच्छा बुरा। सो आई थिंक अच्छा दिन हमारे अपने इख्तियार में इस तरह से है कि अगर हम वो नेकियों वाला दिन बना ले तो वो उससे अच्छा दिन और कोई नहीं। मेरे ख्याल से जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। और जैसे कि मामू अभी कह रहे थे कि सन जो है वो पावर का साइन है और इनके तो अब रियल में भी एक सन है ताहा, अगर आप देख रहे हो ताहा तो आपका भी जिक्र हो गया और पावर मेरे ख्याल से इजाफा हो गया क्योंकि वो वाला सन और ये वाला सन दोनों हैं इनके पास माशाल्लाह। इसरार भाई अब्रार भाई के बारे में मामू ने कहा कि लेजी भी हैं कभी कभी। एक चीज़ जो लेजी वाली बात है ना वो मैं थोड़ा सा इस तरह करूँगा डिफाइन कि अब्रार ने जब भी कोई डिसीजन लेना होता कोई भी काम का तो उसमें टाइम ज़रूर लेता है। अच्छा। वो सोचता है फिर उसके बाद कोशिश करेगा कि परफेक्शन की तरफ चला जाए, तो परफेक्शन में जाते जाते वो चीज़ें डिले ज़रूर होती हैं समटाइम एट टाइम्स इट शोज़ एज़ अ लेज़ीनेस लेकिन वो परफेक्शन की वजह से मेरा काम है कोई चीज़ आती है मैं डिसीजन जल्दी ले लेता हूँ। ओके ठीक है, राइट और रॉन्ग जस्ट टेक द डिसीजन। लेकिन एक बार अक्सर मेरी बात होती है कि भाई अक्सर देखना लें थोड़ा और ना देख लें किससे पूछना लें, वो मेरा अपना अंदाज है लेकिन वो थोड़ा डिले जो बात हम उन्होंने किया ना लेज़ीनेस वाली वो डिले वाली बात मेरे ख्याल में ये वजह हो। अच्छा हमने ये भी देखा कि जैसे कि मेरे ख्याल से सभी जानते हैं लेकिन मैं पर्सनली तौर पे भी चाहूँगा अगर आप लोगों को नहीं पता, अब्रार भाई पहले प्रोफेसर थे एंड देन यू केम इनटू दिस म्यूजिक फील्ड। एक तो मैं ये पूछना चाहूँगा ये कैसे हुआ, उसके बाद मामू ने ये भी कहा कि स्पोर्ट्स एडवेंचर ट्रैवल इसका भी बहुत शौक है आपको आपके जायचे के मुताबिक। बिल्कुल है, अगर मुझे टाइम मिले ना तो मैं क्रिकेट खेलूँ। अच्छा, मैं सारी रात खेल सकता हूँ और मैं कॉलेज में क्रिकेट टीम का कप्तान था और बड़ी स्पीड मेरी थी बॉलिंग में और मैं प्रैक्टिस किया करता था हवा में स्विंग कराने की। आहा। और जब मैं बच्चा था तो बड़ों की टीम में मैं खेल के बड़ा अच्छा परफॉर्म किया करता था। उस तरफ गए नहीं, एडवेंचर का मुझे बहुत शौक है, ट्रैवलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मैं पिछले एक महीने में दो दफ़ा अमेरिका, दो दफ़ा यूरोप इंग्लैंड, एक दफ़ा यूरोप और एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, बट आई स्टिल लव माई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मुझे वाकया याद आ रहा है बचपन का, बचपन तो नहीं कहना चाहिए, जब मैं HSN कॉलेज में जाने से पहले की बात है, MSc करके आया वापस, तो
तो हर महजब बेरोजगार की तरह मैं सीएसएस की तैयारी में मशगूल था। वैसे मेरे साथ जितने भी लोग थे वो कर गए और शायद मैं भी कर लेता, कुछ कहा नहीं। सर वो कर गए थे, तुसी तर गए, तुसी जो किता है वो नहीं कर सकते। तो बहरहाल उनमें से कुछ कर गए और फिर करने के बाद छोड़ के बेचारे बर्तानिया चले गए और इंग्लैंड चले गए, आई डोंट नो कनाडा चले क्यों। बहरहाल तो मैं एक दफ़ा जा रहा था, मैं शाम में रोज़ाना वॉक करने के लिए जाता था, उसमें मैं अपने आप से बहुत सारी बातें करता था कि अच्छा अभी ये करना है, वो करना है, ये कैसे करूँगा, इसकी क्या अप्रोच बनानी है, इसको ऐसे करना है, ऐसे बहुत बड़े ख्वाब और आगे रख के मैं। तो मैंने एक पामिस्ट को देखा जो फुटपाथ पे बैठे थे, हम उस वक्त वन बैंक रोड पे रहते थे इधर नाकली के पास। तो एक पामिस्ट साहब जो बैठे थे बड़े गरीब से लग रहे थे और उनका वो जैसे, मैं उनके पास ऐसे ही बैठ गया, मैंने कहा सर चेक करें ज़रा क्या कहते हैं। मैं बैठ गया, आपने हाथ दिखाया, हाथ देख के वो तो शुरू ही हो गए, अच्छा आपके पास जो है वो, मेरे ख्याल है वो पैसे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, मुझे दीगर चीज़ों में इंटरेस्ट था, वो उनको ये बहुत ज़्यादा वो था कि इसके हाथ में पैसा बहुत, क्योंकि अमूमन ऐसे लोग शायद नहीं हाथ दिखाते होंगे इसमें। कहने लगे आपके हाथ में जो है वो 2 से 3 साल के अंदर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसे आ जाएंगे और वो फिर उसके बाद 2 साल के बाद पैसे आपकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हो जाएंगे और उसके बाद 4 साल के बाद इतने पैसे हो जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और वो पैसे पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कर। और फिर कहते हैं फिर लेकिन आप पैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने कहा क्या मतलब इस्तेमाल नहीं करूँगा पैसे, आई डोंट नो। कहते हैं पैसे आपके जो है ना ये लोगों को, लोगों में तकसीम होंगे और लोगों को आप देंगे और वो ये बात उनकी बड़ी जबरदस्त बात है अभी तक। और 2-4 और बातें भी उन्होंने बताई लेकिन ये जो लोगों को देने वाली बात मुझे वो बड़ी, उसके बाद आपको सक्सेस मिलने वाली है और वो काफ़ी सारी चीज़ें बताई। तो दिल तो इंसान का खुश हो जाता है ऐसी बातें। पर आपने ये जो हाथ की लकीरों की बात की और पामिस्ट्री की बात की है, मतीउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी हाथ की लकीरें क्या कहते हैं ये भी आज हम आप सबको बताएंगे। लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक है, कहीं भी नहीं जाइएगा, देखते रहिए सिटी 42 पर अब्रारुल हक के साथ सितारों के सितारे।